नमस्कार, कम्युनिटी रानअप के एक और नए अंक में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं विकास नांगिया। आइए सबसे पहले जानें आज के अंक में क्या कुछ है खास। ह्यूस्टन टेक्सास में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति का 16वां अधिवेशन आयोजित हुआ। भारत वापस लौटने से पूर्व अन्ना हजारे ने न्यूजर्सी में लेबर डे वीकेंड पर आयोजित हुई। Dedicated their lives for a single address, India. To get that address, all you have to do is sign in with your name at India. स्वागत है आप सबका फिर से। आप देख रहे हैं कम्युनिटी रानअप और मैं हूं विकास नांगिया। दोस्तों, कोई भी भाषा मात्र बातचीत का जरिया ही नहीं, बल्कि वह उस समुदाय की सभ्यता और संस्कृति को दर्शाती है। प्राचीन भाषाओं में से एक हिंदी की अगर बात करें तो वह विश्व की छठे नंबर पर सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। वह हमारे व्यवहार, व्यवसाय और दिनचर्या में रच बस गई है। यहाँ अमेरिका में आज विभिन्न संस्थाएं हैं जो हिंदी के विकास, प्रचार और प्रसार में तत्पर हैं, और उनमें से एक जो अहम भूमिका निभा रही है वह है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति। अगस्त 30 और 31 को समिति का 16वां अधिवेशन ह्यूस्टन टेक्सास में आयोजित हुआ। Manisha Gandhi for TV Asia here in Houston, Texas at VPSS Temple. Tonight's event is International Hindi Association's National Convention. Poets are here from all over US as well as India. And their mission is to promote the language of Hindi here for coming generations who are being brought up here in the USA. हिंदी भाषा हमको प्यारी है। माँ भारती की धरोहर हिंदी भाषा के प्रति अपना स्नेह दर्शाते इन बच्चों ने रौनक बढ़ाई 16वें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति अधिवेशन की। वल्लभ प्रीति सेवा समाज में आयोजित इस अधिवेशन का आयोजन किया अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति ह्यूस्टन शाखा ने। समारोह के दौरान अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बात पर निरंतर जोर दिया गया कि भाषा को संस्कृति का गहना मान उसे व्यवहार में लाना होगा। हिंदी केवल हमारी भाषा नहीं, ये हमारी संस्कृति की सबल समर्थ संवाहिका है। 1980 में हमारे शाखाविद कुंवर जयप्रकाश जी यहाँ आए थे और उन्होंने इस समिति का शुभारंभ किया था। गत 32 वर्षों से हिंदी आगे बढ़ रही है, फल रही है, फूल रही है। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति का ये लक्ष्य है, खास उनका उद्देश्य है कि हिंदी का प्रचार प्रसार और भारतीय संस्कृति का संरक्षण। तो उसी के लिए हम लोग हर साल कवि सम्मेलन करते हैं, इस तरह के आयोजनों का समारोह बांधते हैं, जिससे कि लोगों में जागरूकता बढ़े, अपनी भारत की भाषा के प्रति प्रेम कायम रहे और इसको हम और बढ़ावा दे सकें। 16वें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति अधिवेशन में सभी को संबोधित करने पहुंचे काउंसिल जनरल पी हरीश। उन्होंने कहा, भारत की स्वतंत्रता में हिंदी की अहम भूमिका थी। भाइयों बहनों, हमारे देश की स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी भाषा की एक विशेष भूमिका रही है। स्वतंत्रता संग्राम के समय स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा पर जोर दिया गया। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने यह मान के चले थे कि अगर हमें भारत में एक राष्ट्र की भावना रखनी है तो संपर्क भाषा के रूप में अपनाने के लिए हिंदी सबसे उत्तम भाषा है। फतेह जी, कैसा लगा ये प्रोग्राम आपका? बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया शुरुआत हुई है
इट इज अ वेरी नाइस बिगिनिंग। नन्हे बच्चों से लेकर युवा वर्ग और उनके माता पिता सभी हर्ष और चाव से अधिवेशन में शामिल हुए। हिंदी में उनका रुझान जागृत करने के लिए कविता पाठ, गीत संगीत और नृत्य का आयोजन किया गया। से हिंदी अधिवेशन हमने रखा है, वी बीन वर्किंग फॉर लास्ट 7 मंथ्स, तो हम 7 महीने से काम कर रहे हैं यहाँ पे। करीबन 300+ लोग ने आज पार्टिसिपेट किया है यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति जो है गए 30 साल से यहाँ पे हैं, और ये जो है ह्यूस्टन चैप्टर जो है ये 2 दिन का लेबर डे पे वीकेंड पे ये सेमिनार कर रहे हैं। इसमें आज के दिन पे जो है रेखा सूर्या जी बहुत कोटि की गायिका है जो लखनऊ घराने से है, वो आई हुई हैं और इनका गाने का गीत गज़ल और सूफी म्यूज़िक का कार्यक्रम चल रहा है आज ही। पिछले दिनों 2 सप्ताह के लिए अमेरिका की यात्रा पर आए हुए इस अंक अब हम यहीं संपन्न करते हैं। यदि आप भी अपने किसी समारोह की सूचना हमें देना चाहते हैं तो ईमेल करें communitynews@tvasiausa.com पर। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लॉग ऑन करें facebook.com/tvasiausa।